हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का अपने चैनल सक्सेस मंच में वेलकम करती हूँ। तो हम लोग कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2021-22 होगा यहाँ पर, जो नया सिलेबस आया है हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको आप ठीक कर लो, काट के ये पूरा काट के इसे ठीक कर लो। ये 21 है यहाँ पे, ये 21 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये 22 होगा। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, 22 होगा यहाँ पे। तो हम लोग कर रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का पार्ट टू। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड, हमने कल लास्ट क्लास में देख लिया था कि इसकी परिभाषा क्या है और इसके घटक, हमने घटक और परिभाषा देख ली थी। अब हमें नया क्षेत्र, आयाम और बाकी चीज़ें इसमें से करनी है। तो आप लोगों को होप समझ में आ गया होगा। और जो लोग यूपीपीएससी का टेस्ट लेना चाहते हैं वो 399 में डेस्क टेस्ट ले सकते हैं। और जिसको इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कैसे, क्या, कब मिलेगा, ये सब चीज़ें, तो वो हमें upsc.mocktests@gmail.com, जो इसका एड्रेस है हमारे सक्सेस मंच चैनल का, उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास। सामान्य परिभाषा हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, इसके बाद हमने ये देख लिया था अपना। अब हम देखेंगे पर्यावरण के क्षेत्र। तो पर्यावरण के क्षेत्र में हम बात करेंगे तो ये होगा यहाँ पर जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल और अन्य क्षेत्र यहाँ पर आएंगे। सबके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है, बस इसको कैसे हमें लिखना है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ जलमंडल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जलमंडल की। तो जलमंडल सभी प्रकार के जो जल संसाधन होते हैं, महासागर हो गया, समुद्र हो गई, झीलें हो गई, नदी हो गए, नाले, जलाशय, ध्रुवीय हिमपात, हिमनद, भूजल, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे जलमंडल के अंदर। आप लोगों को पता ही होगा कि महासागर जो है वो पृथ्वी के 97% जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल 1% जो होती हैं वो नदियाँ, 1% नदियाँ जो होती हैं वो जल का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो भूजल के रूप में मानवों के उपयोग के लिए आता है। नदियाँ, झीलें, भूजल, ये 1% जल इकट्ठा करके रखते हैं जो पीने के काम में आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम स्थल मंडल की। तो स्थल मंडल, बाहरी मेंटल और भूपट्टी का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। इसमें पृथ्वी की पपड़ी और मिट्टी में होने वाले खनिज होते हैं, जैसे कि खनिज, कार्बनिक पदार्थ, हवा, पानी, ये सब इसके अंदर स्थल मंडल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायुमंडल की। तो वायुमंडल की हम बात करेंगे तो वायुमंडल के अंतर्गत पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण जो होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से ये बचाता है, जो ओजोन परत होती है वो, और पृथ्वी के जीवन का निर्वाह का ये एकमात्र साधन है। बैटरी लो आ रही है। यह तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे पृथ्वी बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडी होने से बच जाती है। ये वायुमंडल के अंतर्गत जो जो हम अध्ययन करते हैं उसके अंतर्गत ये सम्मिलित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैव मंडल की। तो जैव मंडल का साधारण भाषाओं में उस स्थान या भाग से है जहाँ पर जीव लोग निवास करते हैं, जहाँ जीवन संभव है, जीवन की उत्पत्ति संभव है। जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के सभी जीवों का समावेश होता है, चाहे वो जीव स्थल मंडल में हो, जल मंडल में हो, वायुमंडल में हो, सभी जैव मंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसमें हम अन्न की बात करते हैं। अन्न के अंदर आएगा, क्योंकि पर्यावरण सिर्फ इतने का सीमित दायरा नहीं है, ये बहुत और भी चीज़ें इंक्लूड करता है अपने अंदर, जैसे पारिस्थितिक पहलू हो गया, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो गया, आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण, प्रदूषण पर नियंत्रण, इससे जुड़े सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण पर मानव आबादी का क्या प्रभाव होता है, ये सारा जो वो है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप और भी इलेबोरेट करके नोट्स बना सकते हैं। बाकी आप मेंस के लिए इतने नोट्स बनाए, इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं चार्जिंग पे लगा लूँ।
हाँ जी, चलिए आगे बात करते हैं, पर्यावरण के आयाम की बात करते हैं। तो पर्यावरण के बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। इसके शैक्षिक आयाम है, आर्थिक आयाम है, मनोवैज्ञानिक आयाम है, सांस्कृतिक आयाम है और ये भौतिक आयाम है। तो हम एक एक करके सारी सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं, भौतिक आयाम से, क्योंकि भौतिक आयाम जो है वो हम लोग सब जानते हैं, ये कॉमन है, हमें दिखाई देता है अपने सामने। इसके अंतर्गत वायु आती है, जल आता है, मृदा आती है, ऊष्मा आती है, नदी, खनिज, ये सब भौतिक के अंतर्गत आ जाते हैं। ये मनुष्य अन्य जीवों के विकास पर ये सीधा प्रभाव डालती है, हालांकि मनुष्य भी इन्हें प्रभावित करता है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष दोनों तौर पे। तो भौतिक आयाम में हम तीन वर्गीकरण इसका करेंगे, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, और जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये तीन वर्गीकरण भौतिक आयाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, नीचे से चल रहे हैं तो हम सांस्कृतिक आयाम की बात करते हैं। नीचे से हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जिनका निर्माण मानव अपने कौशल और सामाजिक संस्थानों के द्वारा करता है, उसको सांस्कृतिक आयाम कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं सामाजिक रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, मान्यताएँ, समाजीकरण की प्रक्रिया हो गई, भोजन की आदतें हो गई, वस्तुओं के प्रकार हो गए, मकानों के प्रकार हो गए, सामाजिक नीतियां, धर्म तथा अन्य सामाजिक गतिविधियां हो गई, ये सारी जो है ये सब हम सांस्कृतिक आयाम के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मनोवैज्ञानिक आयाम के बारे में। तो लोगों और पर्यावरण के बीच लेन देन और अंत संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब कि मनोविज्ञान आपसे मन के विज्ञान से, तो लोग हैं और जो हमारा पर्यावरण है इसके बीच में क्या अंतर संबंध होता है, क्या मनुष्य के अंदर ख्यालात आते हैं या मनुष्य क्या सोचता है उसके बारे में, ये सब इसके अंदर अध्ययन किया जाएगा। ऐसे सिद्धांत, अनुसंधान, अभ्यास जो पर्यावरण के साथ हमारे संबंधों को बेहतर बनाते हैं, मानवीय क्रियाओं के पारिस्थितिक परिणाम, लोगों और प्रकृति के मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलू, और इस ये सारे जो मैंने आपको बताए ये सारे मनोवैज्ञानिक आयाम के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आर्थिक आयाम के बारे में। तो आर्थिक आयाम में हम देखेंगे कि खनिज, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, परिवहन, कृषि, ये सारे जो आर्थिक, जो अर्थ से संबंधित हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। जो ऐसे घटक जो आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, निर्मित करते हैं और प्रभावित करते हैं, आर्थिक आयाम के अंतर्गत आएंगे। आर्थिक गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक भी पड़ता है और सकारात्मक भी पड़ता है। आर्थिक पर्यावरण की अगर हम बात करें तो रोजगार, आय, मुद्रा स्फीति, ब्याज दर, उत्पादकता, धन जैसे आर्थिक कारकों की समग्रता जो उपभोक्ताओं और संस्थानों की खरीद व्यवहार को प्रभावित करती है, उसको हम कह सकते हैं आर्थिक पर्यावरण। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शैक्षिक पर्यावरण की, शैक्षिक आयाम की। तो पर्यावरण के घटकों, मानव के साथ उसके अंतर संबंधों, पारिस्थितिक तंत्र, प्रदूषण, विकास, नगरीकरण, जनसंख्या, पर्यावरण ह्रास आदि जो संबंधित जानकारियां हैं वो इसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं। इसके प्रमुख घटक की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण और पर्यावरण चुनौतियों के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता इसके अंतर्गत आ जाएगी, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता करना, और जैसे कि स्कूलों में आपने देखा होगा पर्यावरण की शिक्षा प्रदान की जाती है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, पर्यावरण की समस्याओं को दूर करने के लिए कुशलता पूर्वक संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाए, मौजूदा ज्ञान और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों के आपसी अभ्यास में भागीदारी, ये सब इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। तो हमने देखा पर्यावरण के आयाम, शैक्षिक आयाम, मनोवैज्ञानिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, भौतिक आयाम। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये दो जो टॉपिक हैं ये काफ़ी लेंथी हैं तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे विचारकों के अनुसार ये मानव पर्यावरणीय उपागम के बारे में हम बात करेंगे।
क्योंकि ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं ख़त्म कर दूंगी। बाकी जो टॉपिक है वो थोड़े लेंदी लेंदी हैं और वो अलग से हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, तो उसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ये मेंशन नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा समझाने के बेस पे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं संभववादी उपागम के बारे में। संभववादी उपागम क्या होता है? तो इसको जो समर्थक थे वो थे वाइडल, ली लाब्लाश, एल फ्रैंक, कार्ल सरवर। तो आप ये याद रखेंगे इनके नाम, मैं दोबारा से बता दे रही हूँ, वाइडल, ली लाब्लाश, एल फ्रैंक और कार्ल सरवर आदि। तो उपागम के बारे में बात करें तो मानव को पर्यावरण का सक्रिय तत्व माना गया है। मानव पूंजी तकनीक आदि के आधार पर पर्यावरण में मनचाहा परिवर्तन कर सकता है, तो प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन का संवर्धन करता है ये। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ संभववादी उपागम क्या होता है, तो जैसे कि अब आधुनिक काल में जब औद्योगिक क्रांति नई नई आई थी, तब माना जाता था कि मानव जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, प्राकृतिक के विनाश की उन्हें कोई चिंता नहीं थी, तो वो उपागम था संभववादी उपागम। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियतिवादी उपागम की। तो इसको दिया है हम्बोल्ट ने, रेटजेल ने, टेलर ने दिया है इस उपागम को। इस उपागम में मानव को पर्यावरण का तत्व माना गया है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम प्रकृति के करीब आए हैं। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, इस उपागम में कहा गया है। अब प्रकृति मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित कर सकती है, तो ये नियतिवादी उपागम में कहा गया है। बट वर्तमान परिस्थिति में ये उपागम कम प्रचलित है और औद्योगिक क्रांति तक ही ये भी उपागम प्रचलित था। मतलब कि इसने तो अति ही कर दी थी, बट ये थोड़ा सा कम प्रचलित है इस समय। नेक्स्ट नीचे हम बात करेंगे नवनीतिवादी उपागम की। तो नवनीतिवादी उपागम में इसको दिया है ग्रिफिथ, टेलर और स्पैट ने। ये उपागम जो है प्रकृति के अति दोहन को विनाशकारी बताता है और सतत विकास की अवधारणा को इसमें बल दिया जाता है। प्रकृति में उपलब्ध जो संसाधन है उनका मूल्यांकन सर्वोत्तम तरीके से करके उनका प्रयोग और ऐसे किया जाए जिससे पर्यावरण का हाश ना हो पाए। तो इस समय जो चल रहा है उपागम वो नवनियतिवादी की तरफ जा रहा है, क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन हुए हैं और पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं, ये सारे सम्मेलन नवनियतिवादी को ही दर्शाते हैं। वर्तमान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 30 है इसी पर आधारित है। तो यहाँ पर आप नवनियतिवादी उपागम के बारे में बात कर सकते हैं। तो होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें यही लिखना है आप लोगों को। चलो आज के लिए बस इतना ही, टॉपिक हमने कवर किया। तो आज मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ हमने क्या किया। आज हमने किया पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के आयाम और पर्यावरण के उपागम विचारकों के आधार पर। कल की क्लास में हम प्राचीन भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के उपागम के बारे में, आयाम के बारे में चर्चा करेंगे संदर्भ में, और आधुनिक विश्व के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और ये एग्ज़ाम का एक पर्टिकुलर अलग से टॉपिक है, तो इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और ये आपको काम आ रही है नहीं आ रही है। तो होप आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी, कमेंट जरूर करिए, मेरा हौसला बढ़ता है इससे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।